सोमवार को जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी विधानसभा पहुंचे और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर समस्याओं को हल करने की मांग की। वहीं मंत्री ने कर्मचारियों की समस्याओं को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश के करीब 4,700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी लगभग 20 से 25 वर्षों से जिला परिषद कार्यालयों में सारा कर्मचारी कामकाज देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को विभाग में मर्ज नहीं किया गया है, जिससे वित्तीय नुकसान के साथ भविष्य भी अधर में है। कर्मचारियों को ना तो किसी तय तारीख पर तनख्वाह मिल रही है और ना ही पदोन्नति का लाभ मिल पा रहा है। मैं राजेश ठाकुर, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश, राजेश ठाकुर। देखिए, आज हम पूरे हिमाचल प्रदेश से जितने भी जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज माननीय मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी से भी अभी मिले हैं। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि जो हमारी डिमांड है, मुख्य हमारी मांग है विभाग में विलयीकरण की, क्योंकि जो हम जितने भी जिला परिषद कर्मचारी है, हमें आज तक अभी छठा वेतन आयोग का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये विभिन्न विभिन्न हमें समस्या आती है, जिसकी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि हमें जो है ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में हमारा विलय किया जाए। हमें लगभग 24 वर्ष हो गए इस विभाग में सेवाएं देते हुए, और पिछले 2022 में भी हमें पिछली जो सरकार थी उनसे भी हमने आग्रह किया था, और हमें हमारी हड़ताल भी हुई थी, तो हड़ताल में हमें आश्वासन भी किया था जयराम पूर्व में जो सरकार थे मुख्यमंत्री श्री जयराम जी कि आपका जो विभाग की जो आपकी डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो पिछली जो पूर्व सरकार थी भाजपा सरकार, उन्होंने कोई भी हमारे से रिलेटेड कोई भी इस मर्ज के से रिलेटेड कोई भी काम उन्होंने कार्य नहीं किया, ना कोई हमें वित्तीय लाभ दिया गया है। देखिए, कल हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि आज हमें अपने माननीय मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने इन्होंने हमें कहा है कि हम जो है कल आपको मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और आपकी जो मांग है उसके बारे में कुछ ना कुछ घोषणा करवाएंगे। यदि हमारी मांग को यदि मान सरकार नहीं मानती है तो फिर हम कोई ना कोई कोई अगली रणनीति हमारे को बनानी पड़ेगी। हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग है, विभाग में विलयकरण। जितने भी जिला परिषद कर्मचारी है, हमारी इसी की सारी जो हमारी दिक्कतें आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि हमें विभाग में समयोजित नहीं किया जा रहा है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि इन्होंने जब सुखविंदर सिंह सुक्कू जी जो विधायक थे पिछली बार भी, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको जैसे हमारी सरकार आएगी हम आपको विभाग में आपको विलय करेंगे। देखिए, दिक्कतों का सबसे बड़ा मुश्किल हमें यही आती है, अब सभी कर्मचारी को, जितने भी हिमाचल में कर्मचारी है सभी को छठे वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया है, तो हमें आज तक कभी छठे वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा भी हमें सैलरी की समस्या आती है, टाइम से हमें सैलरी नहीं मिलती, और जो हमारा कार्य है मेन, जितना भी ग्रास रूट के जितनी भी योजनाएं हैं उसको जो है अमली जामा हमारे जो कर्मचारी वो निभाते हैं, उसी वजह से जितने भी यहाँ पे जो बड़े बड़े वो चलते हैं, उसी विधानसभा में भी कुछ भी मांगना हो तो पंचायत स्तर, तो आप देखिए जो पंचायत स्तर का जो कर्मचारी है वो आ सड़कों पे। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि हम जल्दी से जल्दी लाभ, इसका जो छठे वेतन आयोग का लाभ, और हमें विभाग में विलय किया जाए ताकि हम जो है सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। देखिए, जहां तक बात है सरकार को और भार की, हमारा वित्तीय लाभ कोई भी हमारे यदि हमारे को भी विभाग में समायोजित किया जाता है तो हमें कोई भी सरकार ने एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, उतने ही पैसे देते हम, क्योंकि हमारे को जो ग्रांटी रेट से पैसा मिलता है वो भी सरकार का ही पैसा है, कोई पैसे की कोई फंड की कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई पैसे का कोई इशू नहीं है, पैसा सरकार ने उतना ही देना जितना देती है, सब कुछ हमें मिलता है, जितना जो भी हमें लाभ है मिलते हैं, लेकिन देर सवेर मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमें सड़कों पे आज आना पड़ रहा है। सर, महिला होने के नाते और एक कर्मचारी होने के नाते जो हमारे साथ पिछले कई वर्षों से हो रहा है कि हमें अपना डिपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा, हम सरकार के कर्मचारी घोषित नहीं हो पा रहे हैं, ना ही हमें कोई 6 पे कमीशन मिल रहा है, ना ही हमारी कोई इसमें डिपार्टमेंट में विलय की बात हो रही है। हर वक्त मतलब हम लोगों को ये, हम 29 डिपार्टमेंट्स का काम करते हैं लेकिन एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है या कोई और भी डिपार्टमेंट है वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी पीछे देखना है, हमारे भी एक एक के पीछे 5-5 बच्चे हैं या फैमिली मेंबर हैं, हम लोगों की ये सुनवाई नहीं कर रहे।
पीछे भी हमें ऐसे बोला गया। अब हमें इस सरकार से होप है हमारे एरिया की। मैं डिप्टी सीएम सर के एरिया से हूं और मैं उन्हीं से गुजारिश करती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया करके हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए। और जिस तरीके से ओपीएस नामुमकिन काम को इन्होंने मुमकिन बना दिया और करके दिखा दिया, तो ये हमारी प्रॉब्लम तो इनके लिए कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, अगर डिपार्टमेंट चाहे, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है सर। सर देखिए, अभी आश्वासन तो ऐसे सभी देते हैं, ठीक है जी, लेकिन इस पे पूरा उतरना तो हम सभी समझेंगे जब हमारे बजट में कोई बात रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।